नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिमभूमि चाउस में। तो दोस्तों, आज की जो आपके लिए अपडेट लेके आए हैं वो हिमाचल प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेके आपको अपडेट देंगे। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 50,000 से अधिक बच्चे एनरोल हो चुके हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एन टी टी टीचर वहाँ नहीं है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में JVT शिक्षकों की काफ़ी लंबे से कमी चल रही है, तो ऐसे में प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वो ठीक नहीं है। तो इसको चलते सरकार द्वारा NTT के पद भरे जाने हैं, जो कि कम से कम 4500 के करीब हैं। लेकिन इसकी फाइलों की उलझन जो है बढ़ती जा रही है, उसको लेके आपको विस्तार में सूचित करेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल हिमभूमि जॉब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी अपडेट समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक बात NTT की यानी कि प्री नर्सरी टीचर भर्ती की है, वो भी कैबिनेट में अगली में जा सकता है अगर कैबिनेट 15 सितंबर को हुई। और उसकी वजह ये है कैबिनेट में जाने की, क्योंकि जब पिछली बार ये फाइनेंस में भेजा गया था और बड़े सारे ऑब्जेक्शन के साथ वापस आ गया था, उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने इसको वापस एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को दे दिया था और 2 दिन के भीतर वापस मांगा था। 2 दिन की अवधि कल पूरी हो जाएगी। हम ये मान रहे हैं कि मंडे से जब सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं तो मंडे को ये ड्राफ्ट सेक्रेटरी एजुकेशन को वापस मिल जाएगा और उसके बाद फाइनेंस और जो पर्सनल है, कार्मिक विभाग है, उनसे कंसल्टेशन पूरी इसमें हो जाएगी 15 से पहले पहले। चीफ सेक्रेटरी खुद इसमें अपडेटेड हैं, तो इसलिए जो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें स्पीड से की जा सकती हैं। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो ये मामला है ये अगली कैबिनेट तक पहुंच जाएंगे। जहां